81 साल बाद कोटला में रच दिया इतिहास। टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 4-0 से हराया। क्लीन स्वीप के बाद रैंकिंग में तीसरे नंबर पर पहुंची टीम इंडिया। जीत के बाद भावुक हो गए सचिन तेंदुलकर। कोटला की बालकनी से हाथ हिलाकर दर्शकों को कहा शुक्रिया। बड़ा सवाल, क्या ये मास्टर ब्लास्टर के संन्यास का संकेत है? दिल्ली टेस्ट में भी धोनी ने लगाया विजयी चौका। रविंद्र जडेजा और अश्विन की फिरकी ने मचाई धूम, लेकिन सचिन के बल्ले ने दूसरी पारी में भी किया मायूस। 4 साल बाद वतन वापस लौटे परवेज मुशर्रफ। कराची एयरपोर्ट पर फीका रहा स्वागत, फिर भी गर्जे जनरल, अब बचाकर रहेंगे पाकिस्तान। 23 मार्च में नारा था बना के रहेंगे, लेके रहेंगे पाकिस्तान। आज मैं ये नारा लगाना चाहता हूँ, बचा के रहेंगे पाकिस्तान, बचा के रहेंगे। मुन्ना भाई के समर्थन में उतरे दिग्विजय सिंह, कहा माफी के लिए पार्टी में करूंगा चर्चा। आरएसएस ने किया सजा माफी का विरोध। द्वारका पीठ के शंकराचार्य का बयान, कानून के मुताबिक संजय दत्त को मिले राहत। ऐसा है कि अगर माफ करने की के अधिकार कुछ लोगों के हैं आज के संविधान के अनुसार, और वो उसकी पात्रता उनमें देखते हैं। यूपी में फिर दिखा गुंडा राज। औरैया में पुलिस चौकी में घुसकर दारोगा और सिपाही की पिटाई, घायल दारोगा अस्पताल में भर्ती।